हम लोग के डिपार्टमेंट में वॉशरूम नहीं है या फिर कहीं कहीं है भी वो बहुत ज्यादा गंदे हैं। हर जगह कहते हैं कि लड़कियों को सबसे आगे रखो, बट सबसे पहली प्रॉब्लम वॉशरूम ही नहीं बना के रखे हैं। एक दिन फुल कैपेसिटी से स्टूडेंट्स आ गए, जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं सबके सब आ गए, तब कैसे पढ़ाई होती है? तो खड़े रहते हैं। लड़कियों को नंबर लेते हैं, परेशान करते हैं, उल्टी सीधी। अगर थोड़ा एक को किसी को पसंद आ गई तो उनके पीछे पीछे लड़के भाभी भाभी करके चिल्ला के पीछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, इतनी भी सेफ्टी नहीं है। होता है बहुत सारा होता है। एक बार हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे, तो असल में हम लोग क्लास नॉर्मली कर रहे थे, तो जो चैट्स होती हैं उसमें, तो एक लड़के ने गलत चैट्स लिखना शुरू किया। मतलब ये था कि हम लोग ने अपनी डीपी लगाई हुई थी इसमें, क्योंकि ये था कि डीपी लगा लो ताकि ये ना लगे फेक अकाउंट से कोई आया है। तो मेरी मास डीपी ही थी, तो उसमें उसने बोला कि बस बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए कि मुझे फालतू का मैसेज करते थे, तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा नंबर सबको दे दूंगा, तुम्हारा नंबर मैं यहाँ फैला दूंगा। वहाँ पे मैंने धमकी देती, तुम फैला दो मैं चीफ डॉक्टर को शिकायत कर दूंगी, भाई रस्टी खिट जाओगी, एक बार दोबारा तारी नानी याद आ जाएगी, कहाँ से तुम करोगे अपना काम। मैम अभी हम अपनी मम्मी से कहते हैं कि हमें मतलब मुख्यमंत्री बनना है, तो सब हंस लेते हैं, भाई क्यों हंसते हो, लड़कियाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है क्या? लड़के बनते हैं, लड़कियाँ भी बन सकती है, बिल्कुल हमें मुख्यमंत्री बनना, बनेंगे भाई। नमस्ते, सोनल नाम है मेरा और नारी की टीम के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए निकली हूँ। और आज हम पहुँचे हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद की पहचान अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। इलाहाबाद नहीं, हम पहुँचे प्रयागराज। इलाहाबाद ऐसे ज़ुबान पे रटा हुआ है तो वही निकलता है। प्रयागराज पहुँचे हैं, प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुँचे। इसका नाम अब तक प्रयागराज यूनिवर्सिटी तो नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई हूँ। इस यूनिवर्सिटी की पहचान वैसे तो बहुत सारी वजहों से है, बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ यहाँ से निकली है। कौन कौन है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार, है ना, बहुत सारे हैं। तो ये सब हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ यहाँ की लड़कियों से बात करने के लिए, जानने के लिए कि यहाँ की लड़कियाँ क्या सोचती हैं, इनके क्या मुद्दे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो लड़कियों का क्या रोल है पॉलिटिक्स में? हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल कॉलेज के ऐसे स्कूल नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के चुनावों में तो लड़कियां दिख जाती है, तो भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है, लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता। तो आखिर क्या वजह है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आगे नहीं आती, क्या सोचना है इन लड़कियों का, इनसे बात करूँगी। आप लोग पहले अपना नाम बताएँगे, कौन से डिपार्टमेंट से? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। नाम क्या है? दिव्यांशी मिश्रा। दिव्यांशी, हिंदी डिपार्टमेंट में क्या कोर्स कर रही हो? मैं हिंदी कर रही हूँ, बीए थर्ड ईयर है मेरा। बीए थर्ड ईयर, हाँ जी, बैचलर्स वाली। हाँ जी। क्या क्या पढ़ाई होती है इस सब्जेक्ट में? भाषा विज्ञान हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया, और भी बहुत सारे इन्हीं के बारे में पढ़ाई वगैरह होती है। इन्हीं के बारे में पढ़ाई होती है। तो अभी तो 2 साल से बंद रही होगी यूनिवर्सिटी? हाँ जी, 2 साल से बंद थी हमारी यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो कैसे पढ़ाई की आप लोगों ने जब 2 साल सब बंद रहा था? तो 2 साल बंद रहा था, हम लोग को जो सेकेंड ईयर में जब हम आए तो हम लोग को इजीली बुक्स नहीं अवेलेबल हुआ था, और ऑनलाइन भी उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, जो क्योंकि कुछ समझते नहीं थे। बैचलर्स में उतनी हम लोगों की सोच नहीं हो पाती है कि हाँ हम लोग ऑनलाइन में ये सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, इतना हर जगह का हम लोग का खुला माहौल भी नहीं है जो होता था। तो हाँ, सेकेंड ईयर में तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पाई थी। सबके पास मोबाइल था अपना, मतलब जब बंद हुआ था? जी जी। पढ़ाई मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी? जी हो रही थी, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, मतलब टीचर्स का जब मन करता था वो लेते थे और जब मन करता था नहीं लेते थे। कभी वो लोग सुबह के 8 बजे लेते थे, कभी वो लोग रात के 8 बजे लेते थे, कभी उनका नेटवर्क ख़राब हो जाता था, कभी उनका लैपटॉप ख़राब होता था, तो वो नहीं लेते थे क्लास। मतलब बहुत ही इरेगुलर क्लासेस थी हमारी। ऐसा हुआ हम लोग वेट करते रह गए कि अब लिंक आएगी क्लास की, अब लिंक आएगी, और लिंक नहीं आती, हम लोग वेट करते रह जाते हैं, टाइम भी निकल जाता है। क्लासेस चली थी तो जूम पे 100 बच्चों से ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं हो पाते थे, और एक डिपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट में 200-300 बच्चे होते हैं, तो फिर 100 बच्चे जब ओवर हो जाते थे तो उसके बाद से जो नहीं हो पाते थे वो नोट्स के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी हम लोग की प्रॉब्लम्स आई थी। हाँ जी। क्या नाम है आप लोगों का? नाम बता दो जल्दी जल्दी। मेरा नाम तूबा है। कहाँ की रहने वाली हो? बांदा के। बांदा की। तो क्या क्या हुआ था जब क्लासेस बंद रही, ऑनलाइन क्लासेस चली? सब ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग की पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाई, रेगुलर क्लासेस नहीं चलती थी। रेगुलर क्लासेस नहीं चलती। अच्छा ये बताओ, इस टाइम पे ये भी हुआ होगा ना, बहुत सारी लड़कियां जब वापस चली गई होंगी, हम ऐसा पढ़ते हैं, ये करते हैं, शादी हो गई होगी कुछ की। हाँ जी हुई है, मैं भी बहुत लड़कियों को जानती हूँ जिनकी हो चुकी है या फिर उनकी फिक्स हो गई है, होने वाली है। हाँ जी, इसी टाइम पीरियड, इसी टाइम में, इसी टाइम पीरियड में मैंने देखा है ये चीज़ पर्सनली। ये तो ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई, अब कैंपस खुल गया है, कैंपस आती होंगी, कोई दिक्कतें हैं यहाँ पर लड़कियों के
हिसाब से क्या माहौल है यहाँ? लड़कियों के हिसाब से माहौल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत फ्री फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। बस एक दिक्कत है कि यहाँ पे टॉयलेट की उतनी अच्छी सी सुविधा नहीं है कह सकते हैं हम लोग के डिपार्टमेंट में वॉशरूम नहीं है, या फिर कहीं कहीं हैं भी वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। एक है पिंक टॉयलेट भी होना चाहिए यहाँ पे। एक टॉयलेट है गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही बना हुआ है, तो वहाँ पर भी अलाउड नहीं होता है, 5 बजे के जान बंद रहता है, 5 बजे के बाद हम लोग नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बॉयज़ का वॉशरूम यही पास में ही है, वो लोग किसी भी टाइम आए जाए कोई रोक टोक नहीं है, और हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। तो क्या करते हो, मतलब अगर वॉशरूम बता रही हो वॉशरूम नहीं है तो कैसे मैनेज करते हो, जब जाना हो तो कहाँ जाते हो? एज सच अभी तक तो इतना नहीं, बट अगर हम लोग को ऐसी कोई इमरजेंसी लगती है तो हम लोग डायरेक्ट घर चले जाते हैं यहाँ, हम लोग क्योंकि जा नहीं सकते, यहाँ उतनी अच्छी फैसिलिटीज है नहीं, तो एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम लोग सीधे घर जाएँ। फिर फिर हम लोग को पता ही नहीं रहता कि किस डिपार्टमेंट में और कहाँ पर है, कुछ आइडिया तो है नहीं हम लोग को। पहली बार हम लोग आए थे तो हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे वॉशरूम्स हैं भी कि नहीं है। तो हिंदी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे होंगे लगभग उस डिपार्टमेंट में? हम लोग तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के, इंग्लिश। अच्छा, आप दोनों इंग्लिश के, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी वॉशरूम नहीं है? नहीं नहीं, और हिंदी डिपार्टमेंट में भी नहीं है? जी नहीं। तो कौन से डिपार्टमेंट में है वॉशरूम यहाँ पर? वॉशरूम है, वो डिपार्टमेंटल वॉशरूम है। अगर जैसे नॉर्मली हम यही बैठे हुए, अगर हमें इमरजेंसी है तो ऐसा कोई वो नहीं कि हम जाए, हमें डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। और साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में सिर्फ साइकोलॉजी वाले ही जा सकते हैं, बस इतनी सारी प्रॉब्लम। बाहरी जैसे बॉयज का बना है वैसे गर्ल्स का नहीं बनाया गया है, उनके लिए बनाने के लिए है, अब उन्हें ऐसे हो तो उनका है सामने, वो जा सकते हैं, हमारे लिए इशू होता है। डिपार्टमेंट बंद रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है जाने में, बॉयज के लिए बना हुआ है वो जा सकते हैं पर हम लोग नहीं जा सकते हैं, अनऑफिशियल नहीं है, मतलब कॉलेज के लिए ऑफिशियल काम चाहें तो फिर डिपार्टमेंट बंद रहते हैं। तो यार, तो यूनिवर्सिटी आते हो, कितने घंटे की क्लासेस होती है, मतलब 10 से 5 क्या टाइम? बीच में गैप भी रहते हैं, हाँ 10 से 3 तक होती है, तो बीच में 10-15-20 मिनट के गैप होते होंगे हर क्लासेस के बीच में, किसी में 5 मिनट का गैप हो गया, 10 मिनट का, कभी कभी गैप ही नहीं होती, किसी किसी की तो लगातार ही क्लासेस होती हैं, हमारी तो 4-4 क्लासेस लगातार चलती हैं, उसके बीच में हम लोग दौड़ते रहते हैं अफसाई बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से अफसाई बिल्डिंग, ये होता हमारे साथ, ना प्यास ना भूख कुछ नहीं देखना पड़ता। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसे अगर लगातार क्लासेस चल रही है, यार ये तो एकदम नेचुरल चीज़ है वॉशरूम जाना, हर 2-3 घंटे में तो एक बार पड़ता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा पास में है, कितनी जल्दी अपना टाइम बचा सकते। साफ नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, जहाँ पे हैं वहाँ पे साफ नहीं रहते। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट में है, मुझे उसके बारे में अभी तक नहीं पता था, लेकिन वहाँ पे गंदगी बहुत होती है कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, सफाई पे वॉशरूम्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब हिंदी डिपार्टमेंट में है वॉशरूम, है वॉशरूम बट साफ नहीं है, कुछ है नहीं, लॉक नहीं लगा सकते हो मेडल में जाके, वो भी दूर जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है, पानी की व्यवस्था सही कहीं लगभग सही नहीं है, एयरबी डिपार्टमेंट में मिलेगा पानी बस, और कहीं पानी भी नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ वॉशरूम्स नहीं है, तो अगर हाइजीनिक है एकदम, मतलब अनहाइजीनिक है, जाने लायक नहीं है बिल्कुल भी, जाने लायक नहीं है, मतलब ये तो बेसिक फैसिलिटीज में अनहाइजीनिक है बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसे जैसे आप लोग के यहाँ तो छात्र संघ चुनाव वगैरह भी हुए थे, या यहाँ तो स्टूडेंट लीडर्स आते हैं, ये इशू रेज नहीं होता कभी लड़कियों का कि लड़कियों के वॉशरूम्स? थोड़ी कुछ लोग बोलने की कोशिश भी करते हैं बट उतने सीरियस कोई लेता नहीं है इन चीज़ों को, तो छात्र संघ बंद भी, तो हमारे समय में छात्र संघ बंद हो चुका है। हाँ जी, टीचर्स वगैरह के आगे कभी ऐसे रेज नहीं होता कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम? देखिए, टीचर्स आता है, पढ़ाता है, चला जाता है लेक्चर देके, बाकी हम लोग उनसे कोई अदर क्वेश्चन या फिर अदर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के इशू नहीं रख सकते उनके नहीं। हाँ जी, नहीं कह सकते हम लोग। वॉशरूम का मसला तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मसला है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में जहाँ पर वॉशरूम ना हो तो फिर बहुत गलत बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कहते हैं हर जगह, कहते हैं कि लड़कियों को सबसे आगे रखो, बट सबसे पहली प्रॉब्लम वॉशरूम ही नहीं बना के रखे हैं, और हम क्लास लेने कौन कहाँ से आ रहा है, कितनी किसका हॉस्टल नज़दीक है, कौन सब हॉस्टल में रह नहीं रहे हैं वॉशरूम करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम बता रही हैं। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, आप लोग क्या दिक्कतें फेस करते हो अदर देन वॉशरूम? पढ़ाई लिखाई कैसी है? क्लासेस जो है वेल इक्विप्ड नहीं है, पिजन्स उड़ते रहते हैं, सीट्स प्रॉपर नहीं है, जिसमें एक बेंच पे 7-8 स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिसमें हम सब अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, और फिर मैम पढ़ाती हैं तो उसमें भी अगर आवाज़ धीरे आ रही है या बाहर से आवाज़ें आ रही हैं तो क्लासेस बिल्कुल क्लास के अंदर कबूतर उड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
सीरियसली मतलब हाँ, कभी कभी तो वो लोग अपना वहाँ पे घर बनाए रहते हैं, जो वहाँ पे वेंटिलेटर्स है वहाँ पे पूरे समय बैठे रहते हैं पेशेंट्स। वहाँ पे हमारी सीट्स और मतलब टेबल चेयर्स इतनी गंदी हैं, हम लोग मतलब खुद हम लोग साफ करते हैं अपनी चेयर्स, खुद पेपर या कोई कपड़ा लेकर आते हैं, हम लोग खुद साफ करते हैं, हम लोग खुद तब बैठते हैं, और तब भी अगर लोग आते जाते हैं तो कम से कम 7-8 लोग बैठते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड हो जाते हैं हमारे लिए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बस हम लोग मास्क अपना लगाए रहते हैं, तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही बस चल रहा है। हम लोग खुश हैं कि ऑफलाइन हो गया, 2 साल बाद हम लोग आए हैं तो हम लोग खुश हैं, बट मेंटेनेंस और वो सब एज सच कुछ है नहीं यहाँ पे, इतना मेंटेनेंस नहीं है, सफाई नहीं है, बता रही हो। अच्छा, तो जब क्या क्या ऐसा होता है, मतलब आप बता रही हो कि सीट्स एक बेंच में 7-8 लोग बैठते हैं, तो क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा है और क्लास छोटी है? स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, बट स्ट्रेंथ ज़्यादा है और क्लास छोटी भी है और बेंचेस कम है, लाइक क्लास बड़ी है बट बेंचेस जो प्रोवाइड किए गए नंबर कम है। तो क्या करते हो, मतलब अगर मान लो एक दिन फुल कैपेसिटी से स्टूडेंट्स आ गए, जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं सबके सब आ गए, तब कैसे पढ़ाई होती है? तो खड़े होके करते थे कभी बेंच पे बैठ के, कभी खड़े होके। क्या चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस को लेके? प्रोटेस्ट हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम को लेके, ऑनलाइन एग्जाम को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या चाह रहे हैं ये लोग कि ऑनलाइन एग्जाम हो? अच्छा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास थी वो भी अच्छे से चली भी तो नहीं थी, जिसके वजह से हम ऑफलाइन एग्जाम दे भी नहीं सकते। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है इसमें, चौपट हो जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब ये स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुई तो एग्जाम ऑनलाइन होना ही चाहिए। अब आप खुद ही देख सकती हैं कि इतने सारे लोग धरना कर रहे हैं, आपको ये देख सकते हैं ना कि अगर ऑनलाइन वो लोग अच्छे से पढ़ाते तो हम लोग ऑफलाइन देने को तैयार भी रहते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन में लोग ने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। ऑनलाइन क्लासेस में तो चीटिंग का भी स्कोप होगा ना, मतलब ये बताना। जी, उसमें चीटिंग का स्कोप है, ये भी है, लेकिन अगर हम बीएससी वालों का सोचें, बीए वाले हम लोग कर लेंगे, लेकिन बीएससी कोई हम लोग भी साइकोलॉजी के हैं तो साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होता है, हमारा नहीं हुआ। हम लोग को उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया कि ऐसे फाइल बना लो और दे दो, तो हमने वैसे फाइल बना के अपनी दे दी, बट हमारे कोई एज सच प्रैक्टिकल्स। और अब जब ऑफलाइन खुला है तो हमारे प्रैक्टिकल के टीचर्स ने मना कर दिया कि कोई क्लासेस नहीं होंगी, उन्होंने एकदम मना कर दिया हमें, और एज सच कोई रिविजन कुछ भी नहीं हमारा कराया जा रहा है। और जब टीचर्स का मन होता है क्लास लेते हैं, हमारी थोड़ी बस इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो इनके भी ग्रीवांसेस सही है कि क्यों ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। चीटिंग का एक चीज़ है बट प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, जब टीचर्स का मन हुआ उन्होंने क्लासेस की, जब मन हुआ तब नहीं ली, जब उनके घर में कोई दिक्कत आ गई उन्होंने मना कर दिया। और भाई दूसरी तरफ हमारी तरफ से दिक्कत होती थी तो फिर टीचर को लगता था कि मतलब वो पढ़ा तो रहे, हमारी तरफ से दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, सीधे यही बोल देते थे कि आपकी तरफ से दिक्कत है इसमें हम कुछ नहीं। डाउट्स या कुछ भी चीज़ें पूछो तो वो बोलते हैं कि तुमने क्लास अटेंड नहीं करी है, तो वो बच्चों की गलती बताते हैं। एंड देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी, हमने सिलेबस खत्म करा दिया, हम क्लास नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट एक रिविजन ऑफलाइन में अगर आप कराओगे तो हम एग्जाम देने में कुछ आप हमें गाइडेंस दो कि कैसे करना है, आंसर राइटिंग क्या होगी, कुछ तो बताओ। उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं तो हम एग्जाम देंगे कैसे? हम लोग सेकेंड ईयर्स हैं, हम लोग पहली बार आए हैं इस कॉलेज में, इस कैंपस में पढ़ने। अच्छा। हम लोग को कुछ भी नहीं पता है एग्जाम कैसे होता है, हम लोग को सब हम लोग सीनियर्स से और अपने दोस्तों से डिस्कस करके कि ऐसे पेपर है ऐसे देना, हम लोग को कुछ नहीं पता है क्या पैटर्न है, क्योंकि हम लोग मैं साइंस फील्ड से आई थी, पीसीएम से आई हूँ, तो मुझे वैसी ही आदत है लिखने की, मुझे नहीं पता बीए में कैसे लिखते हैं। तो हमारे टीचर्स ने हम लोग को कुछ नहीं बताया है कि कैसे, कुछ टीचर्स बताते हैं बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने नहीं बताया हम लोग को, मतलब तो अभी तक पूरा जो सिस्टम है वही नहीं समझ में आया। अच्छा, अभी जैसे ये प्रोटेस्ट निकल रहा था इसमें आपने देखा लड़के ही ज़्यादा हैं, लड़कियाँ मुझे गिनी चुनी अंत में 3-4-5 दिखी। हाँ जी, क्यों लड़कियाँ ऐसे पॉलिटिकल या ऐसे सोशल इवेंट्स में एक्टिव नहीं होती?
क्या रीजन? पर्सनल रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कोई कैमरा फेस नहीं करना चाहती, बिकॉज उनको ये डर रहता है कि जैसे ही कल यहाँ की बात हो रही थी तो मैंने अपनी एक रूममेट से कहा कि चलो हम लोग को चलना चाहिए वहाँ पे, तो उसने सीधे से बोला नहीं घर में अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स घर वाले। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हाँ कोई भी अगर देख भी लेता है मीडिया वगैरह पे तो उनकी लड़की कैमरे पे आ रही है करके ये सब बोलने ही लगते हैं, हमारे यहाँ की सोच कह सकते हैं इसे। तो ये रीज़न है, लड़कियाँ थोड़ा घर के माहौल से नहीं उतना खुल पाती हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस का तो आप लोगों ने माहौल बताया, ठीक है, ये बाहर बाहर जब आप जाती हैं क्या सेफ फील करती हैं, कैसा माहौल है? तीन साल हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत सेफ माहौल है, छेड़छाड़ नहीं कुछ काफ़ी, मतलब लोग ठीक हैं और फील्ड में बैठ के लोग पढ़ते भी रहते हैं यहाँ पे और हम लोग में डिस्कशन भी पढ़ाई कुछ सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ सही है, बस वही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही गड़बड़ है थोड़ी बहुत, तो बाकी सब चीज़ें सही है, हम लोग फील सेफ करते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस अच्छा है, तो नाइट में 7 या 8 कभी कभी 9 भी बजता है तो हम लोग आते जाते रहते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इश्यू नहीं होता है। हॉस्टल टाइमिंग्स को लेकर क्या है, क्या लड़के और लड़कियों के हॉस्टल टाइमिंग्स एक है या अलग अलग है, हॉस्टल में कौन कौन रहता है? जैसे लड़के कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं हॉस्टल से, और लड़कियां नहीं आ जा सकती थी, लड़कियों के लिए रूल था 6 बजे के बाद जाओ शाइन करके आ जाओ और 9 बजे से पहले आना था। और दूसरी बात, ये लोग तो कब से रह रहे हैं, उन लोग का पैसे भी कम किया गया, हम लोग को कुछ भी नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में 21,000 दिए थे, बट इस बार अभी हम लोग को 3 महीने रहना है, बट 19,000 मांग रहे हैं, कौन रहेगा हॉस्टल, हम लोग हॉस्टल छोड़ चुके हैं, हम 19,000 फर्स्ट ईयर में हम थे हॉस्टल में, उसके बाद फिर कोरोना की वजह से हमें घर जाना पड़ा, बट अब आए हैं तो मांग रहे हैं 19,000 दो तभी हॉस्टल रहने पर, मतलब रहने देंगे, इसलिए हम बाहर रह रहे हैं। काफ़ी लड़कियाँ बाहर रही हैं, बहुत कम लड़कियाँ जो जाके हॉस्टल में रह रही हूँ, कौन इतना पैसा जमा कर पाएगा, जब हम 6 महीने से रहे नहीं हैं पूरा फुल पैसे क्यों दें, और लड़के आराम से रह रहे हैं, खुल के रह रहे हैं और स्टार्टिंग से रह रहे हैं कोरोना टाइम में, क्यों रह रहे हैं मतलब, अब ये तो पता नहीं क्यों रह रहे हैं, यही चीज़ नहीं पड़ी, पता नहीं वो पड़ी, वो लोग अपना प्रदर्शन किए, उन लोगों का कम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बट हम लड़कियों को कोई और लड़कियाँ जो गई तो उन लोगों को बोला नहीं कम नहीं किया जाएगा, तुम लोग रहो ना रहो अपना, रहने वाले रह रहे हैं, रेंट पे लेके रूम रह रहे हैं, इतना प्रॉब्लम होता है, ऐसे लड़के गुंडे ही करके काम करवा लिए या हो हल्ला करके, वो तो पता नहीं वो लड़के जाने, बट स्टार्टिंग लड़के को हर इंसान पूरा हर सदस्य जानता है कि लड़के स्टार्टिंग से ही रह रहे हैं, अगस्त से ही रह रहे हैं, और लड़कियां तो अभी बुलाया गया इसमें ही, फरवरी में बोला गया कि हॉस्टल खोल रहे हैं, बट उसमें भी 19,000 पैसे मांग रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में जब हम लोग फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से आए थे जुलाई, तब 21,000 दिए थे, एग्जाम होने के बाद दूसरे दिन आपको जाना पड़ेगा, जिसका जैसे एग्जाम खत्म होता गया तो हॉस्टल खाली करते जाओ, तो रहोगे कहाँ, फिर आओ स्टार्ट। ये बताओ कैंपस में क्या ऐसा है कि लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल टाइमिंग तक घूम सकते हैं, या लाइब्रेरी को लेकर दोनों के लिए टाइमिंग्स अलग अलग? 5 बजे के बाद लड़कियां नहीं रुक सकती, 5 बजे यूनिवर्सिटी से लड़के रात में भी आते हैं, दिन में भी घूमते हैं, पूरा दिन घूमते रहते हैं, ऐसे कि आप लोगों को बोला जाता है, मतलब कौन बोलता है कि जाओ चलो लड़कियां बोल देते हैं, जैसे आपको देख लेंगे तो निकले निकलो निकलो निकलो, यहाँ रुकना नहीं, सैटरडे को भी एंट्री नहीं देते हैं लड़कियों को, लड़कियों 24 घंटे किसी भी टाइम कभी भी घूमेंगे कुछ भी करें, उनको बिंदास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब खुद ही नहीं समझते कि हम लड़की लड़की बराबर हैं, कुछ लड़के इसलिए फेस करने नहीं आते सामने कि जैसे कि हम कुछ तो घर की प्रॉब्लम होती है, कुछ तो यही लोग मजाक बना, अरे कैमरे पे आई थी, अरे गई थी घूम रही थी, कुछ तो पक्का बोलेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लड़कियां कह नहीं पाती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रोल करेंगे लड़कियों, हाँ हाँ वो होता है, इस वजह से लड़कों को कभी नहीं ट्रोल किया जाएगा, ट्रोल बहुत किया जाता है लड़कियों में, ऐसा नहीं है, पीठ पीछे पीछा भी करते हैं, ऐसा नहीं कमेंट नहीं होता, बहुत होता है, कितनों से मैंने बहस खुद की है पर्सनली बहस की, कभी सीनियर्स हो गए कुछ, कभी जूनियर हो गए, ऐसा नहीं पीछा नहीं करते, लड़कियों का नंबर लेते हैं, परेशान करते हैं, उल्टी सीधी, अगर थोड़ा एक को किसी को पसंद आ गई तो उनके पीछे पीछे लड़के भाभी भाभी करके चिल्ला के पीछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, इतनी भी सेफ्टी नहीं है, होता है होता है, बहुत बहुत सारा होता है, चलो कुछ लोग अपना सच्चा करते हैं बट कुछ लोग को पीछा करके परेशान किया, ऐसा नहीं है, और जैसे आप तो समझ रहे हो वॉशरूम का प्रॉब्लम, कुछ हम लोग आए जाएँ फिर काफ़ी बार आना पड़ता है, उनमें भी कुछ लोग नज़रें रखते रहते हैं, कब आ रही है कब जा रही है, ऐसा नहीं है, और इसीलिए लड़कियाँ एक होके कुछ कर भी नहीं पाती हैं, कितना करें भले लड़कियों की, अब देखिए जैसे कि यहाँ हॉस्टल भी देखिए लड़कों के कितने सारे हॉस्टल, लड़कियों की 6 हॉस्टल हैं, और लड़कियाँ लड़कियों के बाहर लड़कों के कम से कम 12 हॉस्टल हैं, लड़कियों के सिर्फ 6, वो भी एक न्यू बना, वो पहले था नहीं, और लड़कियों को देखा जाए तो इसलिए कुछ तो फैमिली भेजती नहीं है, दूसरी बात जो आ रही हैं उनमें से आधे ज़्यादा हॉस्टल से बाहर रह रही हैं, डेली गेसी पर कितनी सेफ्टी है,
जो कि लड़कियों के लिए 12 से क्या हमको लगता है उससे ज्यादा रहना चाहिए। लड़कों को, लड़के तो कहीं भी बिंदास, अगर वो बिंदास रह रहे हैं आज आ रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहते नहीं है मतलब कभी जैसे गार्ड आप लोग को बोले कि आप लोग चलो जाओ निकलो, तो आप लोग कहते नहीं हो कि भैया लड़कों को तो आप नहीं बोल रहे हो जाने के लिए? अगर कोई शिकायत जाना ही रूल रहेगा तो रूल कर दिया, बोला कि हम लोग को 5 बजे के बाद जाना है। बीसी का ऑर्डर है, उनको बोलना ही है, वो बोलेंगे आप बोलेंगे तो भी वो कहेंगे कि आप जाइए। वो कहते हैं हमारे हाथ में ये बीसी का ऑर्डर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जा सकते हैं। ये रीजन क्या होता है कि लड़के क्यों रात तक रुक सकते हैं और लड़कियां क्यों नहीं रुक सकती, सेफ्टी रीजन बता? मे भी हो सकता है, कह सकते हैं कि वो शायद से ये सोचते हो कि लड़कियां रात में निकलेंगी या फिर घूमेंगी तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, इस चीज को लेके उनका अपना नजरिया हो सकता है। जिसमें गलत कौन करेगा, लड़के करेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कों को ही ना निकलने दे, लड़कियों को निकलने दिया जाए? लड़के बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, जब उन लोग को परमिशन है तो हम लोग खाने के लिए बोलने के लिए। हाँ, ऐसे जैसे लड़के अपना वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़कियां भी करती हैं? लड़कियां करने की कोशिश करती है, उसमें शादी ज्यादा आती नहीं है, इसी डर से नहीं आती, सुनी जाती है, लड़कियों की सुनी नहीं जाती है ना। लड़कियां अगर करती भी है तो उन्हें एक तरीके से इग्नोर मार दिया जाता है, कितनी देर करेंगी, 2 मिनट, लड़कों की सुनवाई हो जाती है, क्योंकि लड़कों का वही होता है, लड़कियों की सुनवाई नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब उनको घर से भी प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते उतना, ये जरूरी नहीं है कि अब लड़कों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर है लड़कियों का कि भाई घर से अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट या फिर कुछ कर भी देते हैं तो उसके बाद में वो हम लोग को या तो ऑनलाइन ढूंढ के हरासमेंट करते हैं या फिर हम लोग को बाद में कि लाइक डराना धमकाना भी, ये भी रीजन हो सकता है कि क्या कहते हैं लड़कियों को टारगेट किया जाएगा अगर ऐसा हो सकता है। आप अभी इंग्लिश डिपार्टमेंट बैठी हैं तो सबसे घटिया डिपार्टमेंट पूरे यूनिवर्सिटी का यही डिपार्टमेंट है, देखने में सुंदर है, सिर्फ आप देखिए नजारा, यहाँ सिर्फ कंपनी गार्डन की तरह से बैठने आते हैं ना, यहाँ पढ़ाई होती है, पूरे डिपार्टमेंट का सिलेबस आधा खत्म हो जाता है, पूरे डिपार्टमेंट का सिलेबस 50% खत्म तो यहाँ टाइम टेबल लगता है क्लास चलने का, और इंग्लिश डिपार्टमेंट में यहाँ की टीचर कोई क्लास नहीं लेते ना, कोई फैसिलिटी, यहाँ टीचर स्टूडेंट में कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई सहभागिता नाम की चीज ही नहीं है, बच्चे पढ़े क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, ABCD पढ़ रहे हैं, काका काका, कोई किसी को मतलब नहीं है, अपना आइए जाइए, खालाज का घर है बिल्कुल ये। और बाकी इसके अगर कंपैरिजन में दूसरा डिपार्टमेंट देखें तो वहाँ टीचर और बच्चों के बीच कोऑपरेशन है, टीचर समझते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ आप शिकायत लेके जाएंगी तो कहेंगे चोड़ी के पास जाइए, चोड़ी कहेंगे बीसी के पास जाइए। हमने अभी पीछे इसी साल की बात है, मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, सेकंड ईयर में भी था, फर्स्ट ईयर में भी था, मैंने थर्ड ईयर में ड्रॉप किया इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड ईयर में मेरी क्लास जब सारे डिपार्टमेंट का जनवरी में सिलेबस खत्म होने वाला था तब ये चोड़ी मैम कौन थी, उन्होंने तब सिलेबस अपना पूरा करवाया था, तब ये अपना टाइम टेबल लगवाई थी डिपार्टमेंट, तब इनकी क्लास चली थी जाके, और भी रिप्लीकेशन लिख के मैंने दिया था क्लास के लिए, तब इनकी क्लास शुरू हुई थी। और भी टीचर कहते हैं क्लास रूम नंबर 15 में चलेगी, जब जाओ तो कहते हैं ऑफिस में मीटिंग है, कभी क्लास नहीं लेते हैं टाइम से कोई। सबसे घटिया डिपार्टमेंट पूरी यूनिवर्सिटी का यही इंग्लिश डिपार्टमेंट जिसमें आप बैठी हैं, अभी पूछ रही हैं हमसे। आपने भी ड्रॉप कर दिया? हाँ, हम भी इंग्लिश ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश ड्रॉप करने का, यहाँ पढ़ाई इंग्लिश में अच्छी होती ही नहीं, कभी पढ़ाई क्लास चलती ही नहीं, मेहनत करेंगे कुछ तो हमारा अच्छा होगा, बट कुछ क्लासेस भी सही नहीं थी तो हम भी स्टार्टिंग में, फिर बीच में क्लासेस भी बंद हो गई, मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो जल्दी हो ही नहीं पाती थी, घर पर प्रॉब्लम भी होती थी, नेटवर्क इशू ज़्यादा होता रहता था, इसलिए हम भी आके ड्रॉप कर दिए, कोई मतलब नहीं था। लाइब्रेरी टाइमिंग्स को लेकर क्या है, सबके लिए लाइब्रेरी टाइमिंग्स एक है, लड़के और लड़कियों के लिए इक्वली एक्सेस कर सकते, कभी भी जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में हम लोग का एक और इशू था, ऑनलाइन हरासमेंट, हम लोग का ऑनलाइन हरासमेंट बताओ। एक बार हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे तो असल में हम लोग क्लास नॉर्मली कर रहे थे तो जो चैट्स होती हैं उसमें, तो एक लड़के ने गलत चैट्स लिखना शुरू किया, मतलब ये था कि हम लोग ने अपनी DP लगाई हुई थी इसमें, क्योंकि ये था कि DP लगा लो ताकि ये ना लगे फेक अकाउंट से कोई आया है, तो मेरी मास्क DP ही थी, तो उसमें उसने बोला कि बस बहुत गंदे कमेंट्स किए कि मास्क में इतनी अच्छी लग रही है तो एक बार मास्क उतार के DP लगा लो और अच्छी लगोगी। इस ये किस लड़के ने किया था, नाम पता था? वही देखिए, लिंक अलग रखा, टीचर्स लिंक भेजते हैं, हाँ टीचर्स लिंक भेजते हैं, वो लिंक पता नहीं कौन किसको फॉरवर्ड कर दे रहा है और वो फेक ID से कोई आ गया था, तो जब हम लोग ने सर को भी ये चीज बताई तो सर ने बोला कि प्लीज टेक ऑल दिस आउटसाइड द क्लास, मतलब बाहर क्लास के तुम लड़की के साथ कुछ भी कर लो पर क्लास मत, ये नॉनसेंस क्लास में नहीं चलेगी। और उसके बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ने कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा क्लास कराने के लिए, फ्री सॉफ्टवेयर थे गूगल मीट, जूम या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो फ्री सॉफ्टवेयर पे कराया गया, तो वो क्लास हमारी गूगल मीट पे चल रही थी, तो उसमें अगर आप लिंक भेजेंगे तो फॉरवर्ड करके कोई भी बच्चा किसी भी को भी ज्वाइन कर सकता है, तो कोई भी आ सकता है, तो उसने अपना नाम भी गलत लिखा था उस इंसान ने, और DP में हमारे योगी जी की प्रोफाइल थी,
मतलब फ़ोटो थी उनकी, तो वो इतने ख़राब कमेंट्स। तो हम लोग ने जब क्लास ख़त्म हो गई तो हम लोग ने अपने सर से बात की, तब जब हमने उन्हें बोला कि सर यू कैन डिसेबल द चैट्स, तब जाके अगले दिन से उन्होंने चैट्स डिसेबल करने शुरू किए। उनको पता ही नहीं था कि हम चैट्स भी डिसेबल कर सकते हैं ताकि बच्चे कुछ उल्टा सीधा ना लिखे। एक्शन नहीं लेते थे, बिल्कुल नहीं लेते, तो वो बहुत जैसे इजी गोइंग, कोई एक्शन नहीं लिया, ये मेन प्रॉब्लम थी। मतलब आप ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, आप यहाँ मत करो, आप बाहर कर सकते हो, आपको उसे रोकना चाहिए था। ये करने की जगह उन्होंने बोला कि क्लास के बाहर, मतलब उन्होंने डायरेक्टली क्या बोला, यही ना कि आप क्लास के बाहर जो करना है करो, यहाँ मत करो। क्लास जैसे चल रही थी तो जैसे वो लिख भी रहा था, बीच बीच में बोल भी रहा था वो, और जब सर से हम बता रहे थे तो वो लीव कर दे रहा था। लड़कियों के साथ जो हैरेसमेंट होता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन कई बार हो चुका था, एक दो बार हो चुका था, इसलिए हम लोग ने उसका प्रूफ भी रखा। तो हम लोग ने सर से यही कहा कि आज इसके साथ हुआ है, किसी कभी के साथ भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने कुछ मतलब एकदम जैसे इजी गोइंग नहीं होता, बस वही थे, बस ये था कि अगले दिन से उन्होंने चैट्स को डिसेबल कर दिया था। ऑफलाइन कैंपस में तो हैरेसमेंट और छेड़छाड़ और स्टॉकिंग जो बताया वो तो होती ही है, ऑनलाइन में भी हैरेसमेंट और ये सब हुआ। से आप ये कह रही हैं, मतलब मैं बता दूं आपको कि मतलब अपने क्लास की हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, मेडिकल हिस्ट्री है, मैं सारे ग्रुप की एडमिन थी, एक तरफ से सेकंड ईयर में ए बी सी सेक्शन डी कितने भी सेक्शन थे सारा ग्रुप मैं ही संभालती थी, इंग्लिश लिटरेचर में भी, हिंदी में भी, मेडिकल में भी। तो मतलब मेरे पास इतने लड़के मैसेज करते थे फालतू का मैसेज करके, मतलब हमसे कहते थे फालतू के काम करने को, भाई मैं क्यों करूँ फालतू काम, मेरी अपनी लाइफ मैं आपका क्यों सुनूँ। मुझे फालतू का मैसेज करते थे, तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा नंबर सबको दे दूंगा, तुम्हारा नंबर मैं यहाँ फैला दूंगा, वहाँ पर मैंने धमकी देती तुम फैला दो मैं चीफ डॉक्टर को शिकायत कर दूंगी, भाई रस्टिक खिट उठाओगी, एक बार दोबारा तारी नानी याद आ जाएगी, कहाँ से तुम करोगे अपना काम ये हरकत। उसको मैंने कहा था कि तुम कर दो, जाओ मेरा नंबर बांट दो सबको, मैंने उसे बकायदे कहा था कि नंबर बांट दो, उसमें लिख भी देना कमरा खाली है, उसे कि मुझे नंबर मेरा नंबर लिख देना, तुम चिपका देना पूरे डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट में, कह रही हो तुमको, मैंने कहा कह दो मैं चीफ डॉक्टर से अगले ही दिन शिकायत करूंगी तुम्हारी, अब तो तुमको यहाँ से निकलवा के दोबारा कहाँ कहीं पढ़ने के लायक तुम नहीं बचोगे। दोबारा कुछ नहीं बोला हमें, हमको खुद ही ब्लॉक कर दिया, वो डर के हमको खुद ही ब्लॉक कर दिया। आज तक अब जैसे कि मैम इसी को देख सकते हैं हम लोग कि थोड़ी जागरूक है, इसने अपने लिए स्टैंड ले लिया वहाँ पे, तो वो लड़का शांत हो गया, उसने खुद ही ब्लॉक कर दिया। बट बहुत सारी गर्ल्स होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि हम इसको सुना दें या फिर हम इसको कुछ कह दें, तो उनके साथ तो फिर ये करते ही रहते करते, और ऐसा होता भी है। मेरा भी पर्सनली नंबर, मैम एक बार हमारे साथ भी इशू हो चुका है, तो मेरा पर्सनली नंबर बहुत जगह बट चुका था, तो मैम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली के सामने, फ़ोन है अब आ रहे हैं लगातार, घर वाले लड़कों को गलत नहीं समझते हैं लड़कियों की, हाँ फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जो जागरूक नहीं होती हैं वो बेचारी फंस जाती हैं। अब जैसे ये जागरूक थी तो उनके साथ मैम अच्छा हो जाता है। मैंने उसे एक ही बार कहा कि तुम मेरा नंबर चिपकाओ, मैं तुरंत चीफ डॉक्टर में शिकायत करती हूँ, तुम्हारे दोबारा नंबर चिपकाओगे कहाँ दिखोगे मेरे कैंपस में तुम, मैं उससे मुझे खुद ब्लॉक कर। कहीं ना कहीं मैम लड़कियों की ही गलतियां हैं जो नहीं बोल पाती हैं लड़कियां, अब कह सकते हैं उनकी इसे गलती नहीं बोल सकते, ये रीजन भी है कि बहुत बहुत लड़कियां इतनी बोल्ड इतनी जागरूक नहीं होती, वो हमेशा से दबा के रखा जाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है लड़कियों के, वो झिझक होती है, जिस दिन झिझक चले जाएगी उस दिन सब कुछ मतलब उनका सही रहेगा बिल्कुल। लेकिन मैम वो झिझक भी हमेशा फैमिली ही हमारी जिस हिसाब से हमको सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी फैमिली का प्रेशर होता है मैम, उस हिसाब से हम लोग नहीं बोल पाते हैं उतना। जरूरी नहीं है कि हर कोई स्टैंड ले, हर कोई पुलिस थाने में जाके कंप्लेन कराए, नहीं हो पाता है, तो मैम उतना ये भी हम लोग की प्रॉब्लम है। अच्छा अब ये बताओ आप में से कितने लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हो? सब हो, मेरे डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो जब वोट देते हो, वोट देने जाते हो, तो कैसे पॉलिटिशियन, कौन पॉलिटिशियन पसंद आता है आपको? वो पॉलिटिशियन जो हमारी मतलब सेफ्टी के बारे में सोचे। सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि हम देख सकते हैं पिछले सालों में अच्छा हुआ है, कुछ सेफ्टी काफ़ी आई है, क्योंकि हम सुनते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कभी एसिड अटैक होता था, कुछ ना कुछ हो जाता था, काफ़ी 10 साल पहले की बात है। तो अब हम ऐसा कुछ अब सुनने नहीं आता है, तो हमें ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर देखे, विमेन की सेफ्टी देखे, ताकि हम भी अभी भी एक, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर रहता है कि बाहर आप नहीं निकल सकते। मैम मेरा बीजेपी गवर्नमेंट को लेके ही है मैम, ये सेफ्टी मैंने पहले नहीं देखी थी। जैसे मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो मुझे शाहजहाँपुर से प्रयागराज ट्रैवल करके आना पड़ता है, तो मैम इस टाइम से ये हो गया है कि एक कोई भी पुलिस कॉन्स्टेबल आएगी, मेरा सीट नंबर, मेरा नाम नंबर, फ़ोन नंबर ले जाके नोट करा के सेफ्टी के लिए बोलती भी, एक उनका कोड नंबर भी रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, तो मैम ये भी सेफ्टी है। हाँ जी, लो एंड ऑर्डर। आप लोग जब वोट देने जाती हो तो क्या माइंड में होता है, मतलब कौन कैंडिडेट्स देखती हो या पार्टी देखती हो या कोई पॉलिटिशियन पसंद आता है, क्या क्या रहता है? मैम सबसे पहले तो मैं तो भाजपा की मतलब पूरे तरीके से फैन हूँ, मैं भाजपा को देख के देती हूँ, क्योंकि अच्छा काम किया उसने 5 साल में, जो राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाया, आके चले गए जो विवाद, अगर भाजपा ना ही होती तो सच में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद बना ही रहता, कभी कोई सुलझा नहीं पाता। क्या कह रही हो?
हमारे लिए मंदिर कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? सबसे बड़ी चीज़ है कॉलेज है, स्कूल है, सबसे बड़ी जहाँ ये जो हमारे लिए सेफ्टी रखी जाए। मतलब पॉलिटिकल ओपिनियंस इंडिविजुअल है, बट हम ये आप आपको ये अच्छा लगा ये इसको दीजिए वोट, हम लोगों को जो है वो अच्छा है जो नहीं करेगा। आप लोग इंडिविजुअली देते हो ग्रुप में? पहली बात हमें जहाँ तक हमारा मानना है, हमारी सोच है ये, जहाँ तक हर इंसान हर शख्स अपनी फैमिली पे डिपेंड होता है, जिस पे फैमिली रहती है स्टार्टिंग से रहता है उसी को चुनता है, कोई सोचता ही नहीं है, माइंड में बन जाता है कि हमारी फैमिली इसको पसंद करे, इसको देना है तो उसी को देना है। मैम सही कह रही है मैम, उसका रीज़न होता है बिकॉज हमारी फैमिलीज अगर जिसी जैसे मेरे पापा मम्मियाँ जो भी हैं कहके वो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके वो अच्छाइयाँ दिखाते हैं बच्चों को। अब हम लोग बाहर इतना तो नहीं निकल के सबसे पूछ सकते हैं कि हमें कोई जो अच्छा बुरा दिमाग में हमारे डालेगा हम वही बोलेंगे ना। इस तरह से प्रोटेस्ट? हाँ जी ये प्रोटेस्ट चल रहा है हर दिन की बात है, हर दिन होता है। हम लोग बीमार भी पड़ गए थे एम्बुलेंस फिर ले जाएँ, हाँ कल एम्बुलेंस फिर उनको लेके गई थी। बैठ जाते हैं ये लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं, एम्बुलेंस लैक ऑफ एम्बुलेंस की वजह से ई रिक्शा पे भी लेके जाया गया है। इतना मैं क्या कहूँ, मतलब इतना मेल डोमिनेंस है इस प्रोटेस्ट में, लड़कियाँ इसलिए भी नहीं जाती है क्या, ये वजह भी है? मैं गई थी, मैं वहीं से आ रही हूँ अभी आपके पास, मैं गई थी वहीं से आ रही हूँ। आप जैसी बहुत कम होती होंगी लड़कियां। मैं गई थी वहाँ पे, मतलब एक न्यूज वाले और आए थे, मैंने उनके सामने बोला भी कि 7 दिन से लगभग ये सब बैठे हैं, 7 दिन से यही चल रहा है, चक्कर लगाते हैं बेचारे, आते हैं जाते हैं, भूखे पड़े रहते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो सॉलिड रीजन उनके पास भी होगा कि हम ऑनलाइन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरा घुमा कर दिखाओ यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा मुझे ये आखिरी इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, क्या पॉलिटिकली आप लोग गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है, लड़कियां क्या चाहती है सरकारों से कि सरकारें लड़कियों के लिए क्या काम? सेफ्टी हो, हमारा करियर उनके ही हाथ में है, जैसे नौकरियां निकलवाना और मैम बहुत सारी चीज़ें होंगी, हमारा मैम फ्यूचर अच्छा रहे, गर्ल्स सेफ्टी रहे, हमारा हर एक बहन है जो भी सेफ फील करे अच्छा हो बस ये, और हमारा देश अच्छा रहे। सेम, ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, या अगर कोई लड़कियों का चांसेस बहुत कम रहता है और जाती भी नहीं है, जो कि हम लड़कियों को बराबरी चलना चाहिए हर कदम पे कदम मिला के। सबसे पहली बात क्यों नहीं जाती है, क्या रीजन? फैमिली सबसे बड़ा रीज़न फैमिली भी होती है, उसके बाद जब हम फैमिली किसी की फैमिली निकलने देती है तो कुछ समाज होता है जो बाहर वाले लोग बोल बोल के उसको दबा देते हैं। लोग अगर कोई सामने आके खड़ा भी होता है तो उसको बोलेंगे इतना कि फिर वो खुद से मतलब सोचेगी कि हाँ पीछे ही हट जाते हैं ठीक रहेगा, क्योंकि कोई फीमेल पॉलिटिशियन का पता है आप लोग को, कोई फीमेल पॉलिटिशियन का नाम जानती है? प्रियंका गांधी, हाँ जी, स्मृति ईरानी, मायावती, एक तो यही से है, ऋचा सिंह है, छात्र नेता थी, आप सपा की तरफ से लड़ रही है वो है। ऐसा नहीं लगता मतलब आप लोग लड़कियाँ अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन है या कोई विमेन कैंडिडेट खड़ा है तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा हो या ऐसा समझेगा ना हमारी प्रॉब्लम्स को कि हमें मतलब बेसिकली ऐसी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो मे बी उसका मैम ये सही बोल रही है कि इसे इसको नहीं लगता, बिकॉज एक्चुअली व्हाट आई थिंक इट इज़ माय इंडिविजुअल ओपिनियन कि जो नेता होते हैं या जो भी बनते हैं पार्टीज बनने के बाद मिनिस्ट्री बनने के बाद वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलती है, जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा ही इंडिविजुअल मिनिस्टर भी करेगा, इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी करेगा। आई थिंक सो, यू थिंक कि अगर कोई औरत बन भी गई पॉलिटिशियन या मतलब नेता बन गई, बनती है करती भी हैं, बनती हैं और करती भी हैं, बट उन पे पॉलिटिकल प्रेशर भी तो उनका कितना रहता है कि लाइक तुम्हें ये नहीं कर सकती हो वो नहीं, कि वो अकेले से फैसला लेने में सक्षम तो नहीं होती है ना, पॉलिटिकल प्रेशर एंड द गवर्नमेंट प्रेशर दैट they can't take these type of decisions regarding women and others. आपको क्या वाकई लगता है कि औरतों और पुरुषों को इक्वल राइट्स इक्वल चीजें मिल गई है कि औरतों को अलग से रिप्रेजेंटेशन? मैम कहाँ मिली है अभी तक? नहीं मैम मुझे नहीं मैम, अभी हम अपनी मम्मी से कहते हैं कि हमें मतलब हमें मुख्यमंत्री बनना है, मैं तो सब हंस लेते हैं भाई क्यों हंसते हो, लड़कियां मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है क्या? लड़के बनते हैं लड़कियां भी बन सकती है, बिल्कुल हमें मुख्यमंत्री बनना, बनेंगे भाई हम बीए करेंगे एमए करेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर, ये क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे हम? क्यों लड़की आगे बढ़ना भी चाहती है तो बहुत लोग अरे तुम ये करोगी, अरे तुम निकलोगी घर से बाहर 8 बजे के बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता है घर से, तो मैम कहाँ? एंड इफ वी चूज अ फीमेल गवर्नमेंट और मिनिस्टर तो वो कभी सीएम नहीं बनती है, जैसे कि फीमेल कभी यूपी के सीएम नहीं बन रही है क्योंकि कितने साल से देखे जा रहे हैं कि सब मेल ही बन रही है, हाँ मायावती के बाद तो वो बहुत पहले हो गया अब तो ये भी है, तो फिर वो कैसे हमारी मांगे या जो तो नहीं है मैम इसके लिए तो है इक्वलिटी नहीं है, वो लड़कियों को नीचे समझा जाता है वो चीज़ है, इक्वलिटी नहीं है। आप बनना चाहती हो? हाँ क्यों, क्या क्या कारण है?
क्योंकि बहुत गर्ल्स के लड़के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं हमेशा से। मैं ये चाहती हूँ कि लड़की जैसे कितना भी हमारी फैमिली भी हमें निकाल के बाहर ला रही है, बाहर आने के बाद चीज़ें हमें दबाने लगती है। जैसे यही तो जैसे बता रही है कि इनका कहना है कि नहीं, अगर लड़कियाँ आ भी जाती है तो उतना आगे नहीं बढ़ पाती, कितनी कम सी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं अब जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही है, हम यहाँ आए तो अलाहाबाद तो आ गए, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हॉस्टल में ही देखने को मिल गई कि लड़कों के लिए इतना सारा बनाया गया, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं। सेफ्टी लड़कियों को ज़्यादा जरूरी है और जरूरी ज़्यादा है। और जैसे कि हाँ यहाँ भी होली वगैरह भी होती है तो लड़कियों को 3 दिन तक पैक कर दिया जाता है एकदम अंदर अंदर, कि इस हॉस्टल की लड़कियों को हॉस्टल के अंदर भी नहीं जा सकती हैं। और वो तो उसके अंदर हॉस्टल है हमारी सेफ्टी, लेकिन वो हॉस्टल भी बंद हो जाते हैं, खुल के नहीं रह सकते हैं। तभी तो रीजन क्या होता है कि लड़की होली के टाइम हुड़दंग करते हैं, घूमते हैं, रंग डालते हैं, जो लड़कों को नहीं रोका जाता कि वही उनको भी बंद करो, बट हम लोगों को हॉस्टल के अंदर उनको भी बंद कर दो 3 दिन के लिए, हमको भी 3 दिन के लिए बंद कर दो। हम जैसे ऐश नहीं कर पा रहे, नहीं घूम पा रहे, हमें कोई चीज़ें नहीं मिल रही, वैसे उनको भी ना, क्योंकि हमें अगर सेफ्टी दी जाए तो इन लड़कों की वजह से दी जाए वो बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है कि, बट ये चीज़ें होती हैं। हम सोचते हैं कितना मतलब लड़कियों पर ही लगाई जाती है, हर लड़कों हर रोल लड़की पर, जैसे कोई चीज़ हो घर में किसी के बारे में पता चलता है कि कोई किसी से बात करके आई, लड़की किसी से मिल के आई, घर लड़के को एक बार पूछेंगे हंस के हटा दिया जाता है, गार्जियन भी ऐसा करते हैं, बट लड़कियों को तमाचे पड़ेंगे, मुक्का जूते जो भी हो सकेगा, शायद मार भी पड़ती होगी। अब किसके घर की क्या रीजन, क्योंकि इस लड़की सीधे आती हैं सीधे जाती हैं, कम बोलती, कुछ लड़कियाँ निकलना चाहती हैं, कुछ वहीं दबी की दबी रह जाती हैं। जो कि एक इशू और है इस पर आप लोग सब अपना ओपिनियन बताना, सरकार कह रही है लड़कियों की शादी की उम्र ना 18 से 21 कर दी जानी चाहिए, क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है, मेरे लिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जैसे कि हम 20 इस बार हम खुद 20 के हो गए हैं, अब ये बस पीजी करते करते मेरा 21 हो जाएगा, तो क्या मैं शादी कर लूँ? जैसे मेरा जॉब नहीं हो रहा है, बट मेरा मानना है 21 से स्टार्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे कि इसका हो गया, थोड़ी मैम जागरूक है, मैंने जैसा इसके लिए बोला बोल सकती है। बहुत सारे जैसे हमारे गांव वगैरह हो गए, वहाँ पे तो लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती ना कि तुम 18, उनको ये लगता है 18 की हो गई मतलब हमारा अब इस पे अधिकार वो हो गया है कि हम इसकी शादी करवा सकते हैं। और मैम उससे पहले क्या कहते हैं, अब 21 हुई है तो ये कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत सही ही हुआ है। हाँ जी सही हुआ, आप कह रही हो कि ये डिसीजन सही है 18 से 21, क्योंकि बट मेरे से भी छोटी लड़कियों की, मेरे गाँव में बहुत सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, मेरे सामने आज मेरी क्लास कितनी सारी क्लास में जहाँ हम स्कूल में पढ़ते थे वहाँ की लड़कियों की भी शादी हो गई है, कुछ के तो बच्चे भी हो चुके हैं, तो उन हिसाब से देखा जाए तो वो लोग कुछ भी नहीं, उनकी लाइफ खराब हो रही है। आप भी चाहती हो ना कि हाँ हो जानी चाहिए एकदम कंफर्म, और बढ़ जाए तो अच्छा है, ये इक्कीस हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर मैम ये फैमिलीज को या फिर हमारी सोसाइटी को समझना चाहिए कि पढ़ने का मौका दिया जाए। और हाँ जी क्लास में जब हम 12th में थे हमारे यहाँ जैसे 18 की हुई, कई लड़कियों की शादियाँ हो गई थी और वो सेटल भी हो चुकी हैं अपने परिवार के साथ, तो ऐसे वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हाईएस्ट, तो फिर आगे उनको अपनी लाइफ में जाके अगर वो कुछ फेस करती हैं खराब चीज तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हैं। एक हायर स्टडीज का मौका मिलता है 18 से 21 साल का अगर हो जाता है ये, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा आप में से कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो घर से बाहर जब निकलना होगा या यूनिवर्सिटी आना होगा थोड़ी बहुत लड़ाई इन द सेंस थोड़ा फोर्स भी किया होगा पेरेंट्स को कि नहीं निकल, किसी के पेरेंट्स ने रोका था कि नहीं नहीं मत जाओ? नहीं मैम मुझे तो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ भेजा है, सब बोला जाते कि जाओ, हम लोग बोलते हैं कि जाओ, हम लोग तो यहीं के हैं तो हम लोग को नहीं दिक्कत है, सभी के पेरेंट्स। हाँ मैम मैं बाहर से भी फैमिली साथ हो तो कुछ भी किसी चीज़ का डर नहीं, बस फैमिली हमारी साथ हो, ये कि फैमिली सपोर्ट करती है बाकी कोई वो नहीं होता, फैमिली का सपोर्ट है तो हम सब कर सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट है तो सब कर सकते हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी जिनसे मैंने अलग अलग इश्यूज पर बात की, और जो लोग लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते या ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलेंगी तो क्या करेंगी कैसे मैनेज करेंगी, ये लड़कियां उनके लिए एग्जाम्पल्स हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से ये अपनी सोच अपनी बातें सामने रख रही है। और रीज़न एक ये भी है कि लड़कों और लड़कियों को इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती क्योंकि कभी उतनी लड़कियां बाहर ही नहीं आ पाई, जो लड़कियां बाहर आ रही हैं वो बता पा रही है ना कि क्या दिक्कतें हैं क्या क्या डिफरेंसेस वो फील करती है, तो इसीलिए लड़कियों को बाहर निकलने दिया जाए। अलग अलग इशूज़ पर मैंने बात की, अलग अलग मुद्दों पर बात की, अपनी समस्याएँ बताई, बेसिक फैसिलिटीज़ की इस यूनिवर्सिटी में कमी है, सफाई नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर के बाहर निकल रही है तो वो बेसिक फैसिलिटी में वॉशरूम होता है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने अपने ओपिनियन बताए और इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड की कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने, मेरा नाम सोनल है, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे।